रिश्ते मोहब्बतों के टूटे ना कैसे आखिर आपसों में पहले सा अब व्यवहार ही नहीं है। रिश्ते मोहब्बतों के टूटे ना कैसे आपसों में पहले सा अब व्यवहार ही नहीं है। और खाना बदोष ठहरा दुनिया में उसका जीवन जिसका कहीं पे कोई घर बार ही नहीं है। जिसका कहीं पे कोई घर बार ही नहीं है। जब जिंदगी का अपनी कोई नहीं भरोसा अपना भी फिर किसी से इकरार ही नहीं है। अपना भी फिर किसी से इकरार ही नहीं है। और गजल के अगले दो शेर खास तवज्जो के साथ मुलाजा फरमाएं साथ इरशाद किया है। कहता है आदमी ये अब है बुरा जमाना, सच तो ये है खुद सुने किरदार ही नहीं है। कहता है आदमी ये अब है बुरा जमाना, सच तो ये है खुद सुने किरदार ही नहीं है। तो सभी है लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं संसार ही नहीं है। ईश सत्यम जगत मिथ्या ऐसा आध्यात्मिक लोगों का मानना है। संसार के पुजारी और वो ये भूल जाते हैं कि उनकी व्यवस्था भी जो है ये संसार ही पूरी करता है। दुनियादारी के मामले में हम दुनिया के वजूद को नकार नहीं सकते। संसार के पुजारी यूं तो सभी हैं लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं संसार ही नहीं है। और दोस्तों गजल का ये शेर मोहब्बतों के साथ में आप सबकी समाप्तों के हवाले आप सबको नजर करता हूँ। हौसले की बात है दोस्तों। तूफान बन गए हैं जिस दिन से हम सफर में, गांवों में अपनी कोई दीवार ही नहीं है। गांवों में अपनी कोई है। और दोस्तों ये मृत लोग है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबको जाना है एक दिन, लेकिन स्थिति क्या है, हालात ये है कि चाहे है अपना जीवन शाश्वत बसर जहां में, चाहे है अपना जीवन शाश्वत वो इस जहां में, कुछ सांसों पर भी जिसका अधिकार ही नहीं है। कुछ सांसों पर भी जिसका अधिकार ही नहीं है। और डरता है हर किसी से जो इस
इस जहां में समझो बुजदिल भी है वो इंसान, लाचार ही नहीं है, बुजदिल भी है वो इंसान, लाचार ही नहीं है। और दोस्तों, हमको जिंदगी का तरीका इन पेड़ पौधों से, प्रकृति से, कुदरत से सीखना चाहिए। नीम का पेड़ अपने पड़ोस के आम के पेड़ से कभी ये नहीं कहता कि अगर मेरे पड़ोस में रहना है तो कड़ुआ बन के रहना पड़ेगा। आम का दरख्त कभी भी नीम के दरख्त से नहीं कहता है कि मेरे पड़ोस में रहना है तो मीठा बन के रहना पड़ेगा। लेकिन वाह रे इंसान कि ये क्या क्या सोचता है, आप सभी जानते हैं। शेर आखिर यहां से मुलायजा फरमाए, इरशाद, इंसान के चलन ने उलझन बढ़ा दी वरना कुदरत के दायरे में तकरार ही नहीं है। इंसान के चलन ने उलझन बढ़ा दी वरना कुदरत के दायरे में तकरार ही नहीं है। और दोस्तों, मोहब्बतों के साथ में मक्का मुलाजा कर ले, समझे ना तुम अभी तक दिलबर को आशिकी में, समझे ना तुम अभी तक दिलबर को आशिकी में। थोड़ा इशारा कर दूं इस मकते के हवाले से, हमारे हाजी साहब कहा करते थे कि किसके सर जाएगा ये बारे गरा मेरे बाद, गुंग हो जाएगी कितनों की जुबा मेरे बाद। ये शेर वहां से पढ़ रहा हूँ, मेरी क्या हालत है इस समय, मैं कैसे जो है लोगों को जोड़ता हूँ, कैसे नशिस्तों का एहतमाम करता हूँ, कितनी कोशिशें करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, ये मेरा दिल जानता है या बाबूजी जानते हैं। मैं इनको है एक एक बात बताया करता हूँ। गदल का मक्ता यहाँ से, समझे ना तुम अभी तक दिलबर को आशिकी में, तुम जा भी मांगो देंगे इनकार ही नहीं है, तुम जा भी मांगो देंगे इनकार ही नहीं है। इंसान के चलन ने उलझन बढ़ा दी वरना कुदरत के दायरे में तकरार ही नहीं है। जीवन की राह लोगों दुश्वार ही नहीं है, कुछ और मुश्किलें हैं